अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर ट्रांसमीटर को पीएलसी के साथ कैसे लगाया जाता है और उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। मैं एक वीका कंपनी का जो है ना एक ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ। ये 0 to 16 bar का ट्रांसमीटर है। इसकी सप्लाई जो है 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट DC तक है। इसकी आउटपुट जो है वो 4 mA से 20 mA तक की है। ये वीका का जो ट्रांसमीटर है उसकी पिक्चर है। ये जो ट्रांसमीटर है यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे कंप्रेसर पे लगी हुई है। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। ये देखें, ये वीका का ट्रांसमीटर है, 0 to 16 bar का है और ये 4 to 20 mA इसकी आउटपुट है। और ये जो दो मैंने मीटर लगाए हैं, ये देखिए 2 मीटर्स मैं डिजिटल साथ यूज़ कर रहा हूँ कि इनमें कोई एक्यूरेसी का इशू ना आए, ताकि फुल एक्यूरेट हम करें। तो ये दो मैंने मीटर लगाए हैं, ये हमें डिजिटल का प्रेशर बताते रहेंगे कितना प्रेशर है, ताकि हमारी बाइसिंग इजीली हो सके। इसके साथ 14SS2 PLC मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो मॉड्यूल मैं इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ वो DVP06XA है। S2 PLC सीरीज़ का है ये। और इस मॉड्यूल की जो वायरिंग है वो मैंने ऐसे की है, इसमें 4 चैनल होते हैं एनालॉग इनपुट के। ये एक चैनल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो देखें, ये जो ट्रांसमीटर है इसके एक नंबर पे मैंने पॉजिटिव 24 वोल्ट की वायर दी हुई है। 24 वोल्ट पॉजिटिव जो है ना, ये इसकी इस वायर पे मैंने दिए हुए हैं। और जो इसके नेगेटिव वोल्ट यहाँ से मैंने निकाल के, तो I1 और V पॉजिटिव को मैंने आपस में जम्पर किया हुआ है। अगर इस PLC में I पे आप खाली वोल्ट देते रहेंगे, ये बेशक मिली एम्पेयर है, तो ये आपके काम नहीं करेंगे। जब तक इसके वोल्ट का आप जम्पर नहीं करेंगे, तो ये आपके फिर आप उसके बाद आपको वैल्यू देने शुरू करेंगे। और कॉमन पे आपने इसके अल्टरनेट सप्लाई देनी है, इसी पावर सप्लाई की -24 वोल्ट आपने इसके कॉमन पे देने, तब जाके ये आपके काउंटिंग शुरू करेगी। ट्रांसमीटर के पिन नंबर 1 पे मैंने 24 वोल्ट पॉजिटिव दिए और दूसरी पे मैंने इतने वोल्ट दिए। जो प्रोग्राम है ये ओपन हुआ है, तो इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे जाके आपने फाइल न्यू करनी है। न्यू करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी PLC सेलेक्ट करनी है, जो आपके पास PLC है, और उसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने एग्जैक्टली सेटअप फॉर एक्सटेंशन मॉड्यूल में जाना है। इसमें जाके ये आपका पहला मॉड्यूल है, 0 का मतलब पहला मॉड्यूल है। एक्सटेंशन मॉड्यूल टाइप में आप अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेटअप पे जाएंगे। तो मैंने IO मोड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे M1000 का मतलब है कि ये जो मेरी रिले है ये परमानेंट ऑन रहती है। और इसका मैं चैनल नंबर 3 पर मैंने ट्रांसमीटर्स की वायर लगाई है। -20 mA से +20 mA पर मैं इसे यूज़ करूँगा। इसका प्रीव्यू लेके से डेटा मैं लिस्ट कर देता हूँ और चैनल 3 की प्रेजेंट वैल्यू लूँगा, इनपुट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे LDM 1000 मैं करता हूँ ताकि परमानेंट मुझे वैल्यू मिलती रहे और D0 पर इसकी वैल्यू आएगी। तो एडिट टू लिस्ट करके इसे मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ये M0 से जो OY1 है, ये मेरे ट्रांसमीटर की सॉरी ये मेरा कंप्रेसर ऑन करने के लिए जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसकी सप्लाई है। और LDM2 से मैं Y3 ऑपरेट करवाता हूँ। ये एक मैंने SOV लगवाया है जो कि एयर की रिलीजिंग का काम करता है। तो इतने से प्रोग्राम को मैं PLC में ट्रांसफ़र करता हूँ। ये इसको मैंने अब ट्रांसफ़र दिया PLC में, तो ये 467 बिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइम प्रेशर क्या है, इस टाइम यहाँ पे तकरीबन 2 bar के करीब प्रेशर है। तो मैं इस सारे प्रेशर को एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे SOV को ऑन करता हूँ। ये देखें, एयर का जितना प्रेशर है ये सारा ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, हमारा प्रेशर जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे यहाँ से बिट्स कम हो रही है। तो ये देखें, हमारा जो प्रेशर है इस टाइम 0.13 bar इतना बार रह गया है। ये देखें कि हमारी अराउंड 200 बिट्स जो हैं ये इज़ इक्वल टू 0 bar के हैं। तो ये देखें, 200 बिट्स जो हैं हमारी
यहाँ से मैं आपको लिख के देता हूँ, 200 बिट्स इज इक्वल टू 0 बार के हैं, क्योंकि जब हमारा 0 बार प्रेशर होता है तो इतनी बिट्स जनरेट हुई रहती हैं। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज भी कर देता हूँ ताकि आपको पता है। अब ये देखें कि 200 बिट्स इज इक्वल टू 0 बार है, तो अब इसका जो प्रेशर स्विच है वो मैंने 7 बार पे लगाया है, तो इसे मैं ऑन करता हूँ कि 7 बार तक इस पे कितनी बिट्स आती हैं। ये मैं इसे ऑन कर देता हूँ यहाँ से कंप्रेसर को, कंप्रेसर ऑन हो गया। ये देखें ये जो बिट्स हैं ये आ रही हैं, अब इतना प्रेशर हुआ यहाँ पर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है बिट्स बढ़ रही हैं। ये देखें 7 बार प्रेशर पे हमारी तकरीबन 1130 बिट्स बनती हैं, तो यहाँ पे आप देखें 7 बार इज इक्वल टू 1133 बिट्स के हैं। तो 1133 बिट्स में से जो 200 1133 बिट्स में से हम 200 निकाल देते हैं, में से माइनस कर देते हैं 200, 200 इट इज इक्वल 0 बार था ना, -200 इज इक्वल टू 933 बिट थी, 3 बिट्स। तो अब 933 को हम तकसीम करते हैं, तकसीम 7 बार, तो इज इक्वल टू कितना होता है, 933 तकसीम 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनता है 133 बिट्स, राउंड 133 बिट्स, 133 बिट्स इज इक्वल टू 1 बार। और अगर हम 1 बार को तकसीम करें 10 से, तो ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 बार, और 0.1 बार जो है, अब हम 133 बिट्स को भी तकसीम कर देते हैं, अगर हमने बहुत ही एक्यूरेसी में लेना 10 से, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.33। तो यहाँ से ये देखें 0.1 बार इज इक्वल टू 1.33 बिट्स के। अगर आपने बहुत मिनिमम एक्यूरेसी में जाके लेना है, कि पॉइंटों में भी आपने लेना, तो ये आप इस तरह कैसे ले सकते। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको सबसे पहले इसमें से 200 माइनस करता हूँ, इंसर्ट रो करता हूँ, कंट्रोल आई से भी आप इंसर्ट रो कर सकते हैं, LDM 1000, और इसमें से मैं सब की कमांड लगाता हूँ, SUV sub D0K200 D10 में डाटा चला जाएगा जो ये बचा। अब मैं LDM 1000 अगेन लगाता हूँ, DFLT फ्लोटिंग पॉइंट में मैं अब जाता हूँ, D10 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ D30 में, इसका डाटा चला जाएगा। अब LDM 1000 लगाता हूँ कि इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लेने के लिए, D डिवीज़न यहाँ पे आपने लिखना है, D डिवीज़न D30 को आपने D20 25 डेटा रजिस्टर से, या D20 22 चलो ठीक है, और D456 में आपने इसका जो डेटा है वो दे देना है। तो इसे यहाँ पे मैं इसे दोबारा लगाता हूँ, उसके बाद आपने इसको 100 से तकसीम करना, ताकि ये हमारे
LDM, बल्कि छोड़ें यहाँ से LDM 1000, इसकी मैं मज़ीद आपको डिटेल बताता हूँ। LD32 बिट के लिए बड़ा छोटा है या बराबर है D456 D560 के, तो सेट हो जाए Y0 और इसी को ही कॉपी करें, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करें और कंट्रोल वी कर दें, ये लाइन आपकी आ जाएगी। अगर ये 580 से बड़ा हो जाए तो ये इस आउटपुट को ऑफ करवा दें। पहले छोटा का था, अब ये बड़ा का साइन लगा दें और रीसेट हो जाए, सॉरी रीसेट Y1। हमारा कंप्रेसर Y1 पे लगा हुआ है तो इसे हम Y1 नहीं करते हैं। तो इसे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ प्रोग्राम को और यहाँ से Y1 को काट देता हूँ। अब क्योंकि हमने इसे ऑटो सिस्टम के तहत चलाना है तो मैं इसे कंट्रोल F8 के ज़रिए प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ और कंट्रोल F4 करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये देखें आपके पास ये लाइनें टाइप आ रही हैं, तो आपने इसको यहाँ से फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देना, ये मॉनिटरिंग डाटा में जाना और फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये आपका यहाँ पे आ गया है। तो 1.33 से आप तकसीम करेंगे तो आपके एक्चुअल बार आपके पास आएंगे। आप यहाँ पे जाएं और 32 बिट डाटा करें F1.33, ओके कर दें, तो ये 6.27 आपको बता रहा है कि आपके पास इस टाइम इतने बार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 6 बार पे पहुँचे तो ये स्टॉप हो जाए और 4 बार पे ये ऑन हो जाए। तो मिनिमम टम जो है वो मैंने 4 बार रखना है। F4 यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और D580 पे 6 बार रख देता हूँ कि 6 बार पे स्टॉप हो और 4 बार पे ऑन हो। तो ये इस टाइम देखें मेरा जो प्रेशर है वो है 6.24 बार, ये देखें 6.224 बार, ये देखें। तो इसे मैं एक्चुअली 6.24 आ रहा है तो इसे मैं मज़ीद सॉरी ये कैमरा भी बंद, देर मैं जाता हूँ, इसे मैं मज़ीद यहाँ पे जाके 100 से दोबारा तकसीम करता हूँ ताकि ये फुल एक्यूरेट वैल्यू हो। कैंसिल करके यहाँ से मैं से LDM 1000, डी डिवीज़न आपने लगाना है 32 बिट के लिए हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, D456 मल्टीप्लाई D2050 करके, तो इसे D444 में ले लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। अब D444 के साथ इनका कंपैरिजन करवाना है तो D444 इसे ओके कर देता हूँ और इसे भी D444 कर देता हूँ, ओके। इस प्रोग्राम को मैं PLC में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये लॉजिक क्लियर हो गई है। कंट्रोल F4 मैंने किया है तो ये देखिए 4 बार 6 बार, अब ये 4.62 बार जो प्रेशर है मेरा 4.62 बार, सॉरी इसे मैंने तकसीम करना था 100 से, यहाँ पे F100 से तकसीम करूँगा तो एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास जो इस टाइम प्रेशर है 6 पॉइंट समथिंग है, कैमरे को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, 6.11 जो है इस टाइम मेरा एक्चुअल प्रेशर चल रहा है और यहाँ पे देखे 6.11 है, 6.10, ये देखिए बिल्कुल सेम एस चल रहा है। तो इसको अगर आपने ऑन ऑफ करवाना है तो ये देखिए मैं M2 को ऑन करता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ होगा, जैसे ये 4 बार पे वैल्यू कैसे पहुंचेगा देखें। ये देखिए 6 बार पे जाके बंद हो गया, 4 बार पे ये ऑन होगा। अगर आपने इसको HMI पे शो करवाना है तो आपने यहाँ पे एक सिंपल सा इसका ले डाटा, यहाँ पे आपने लिखना है कि प्रेजेंट प्रेशर, प्रेशर इसको आप थोड़ा सा बढ़ा कर दें जितना आप
प्रेजेंट प्रेशर इसे इसके कंट्रोल से भी तीन कापियां कर लें और इसे स्टॉप, और यहाँ से न्यूमेरिक एंट्री में जाएं और आपने अगर इसका प्रेशर भी यहाँ पे शो करवाना है तो इसमें जाएं, इसको 32 बिट पहले डबल वर्ड करें। डबल वर्ड का मतलब होता है 32 बिट। फ्लोटिंग पॉइंट में जाएं, फ्लोटिंग पॉइंट में जाके D444 जो है ये आपको प्रेजेंट बता रहा है प्रेशर, इंटर करें और चार इंटीगर डिजिट्स मैं ले रहा हूँ और तीन फ्रिक्शनल ले रहा हूँ, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ और इसे कंट्रोल सी वी दो कर देता हूँ और इसे इधर कर देता हूँ। इसमें D560 जो हमारा मिनिमम है ओके कर देता हूँ, इसके टेक्स्ट थोड़े से बढ़ा देता हूँ ताकि 28 कर दें और मैक्सिमम D580 हमारा 580, इसके भी टेक्स्ट थोड़े से बढ़ा देता हूँ, इसे भी ओके कर देता हूँ और इसके भी टेक्स्ट थोड़े से बढ़ा देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आ सके और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक अपना मल्टी स्टेट इंडिकेटर लगा देता हूँ जब मेरा कंप्रेसर ऑन हो ताकि मुझे पता चलता रहे। इसे Y1 का एड्रेस दे देता हूँ, Y1 लिख के इसे इंटर कर देता हूँ। स्टेट 0 इसकी रेड होगी, स्टेट 1 बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगी जो होती है और इस पे यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे ऑन लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ इसे। और यहाँ पे एक मैंने अपना मोमेंट्री मेंशन बटन लगा देता हूँ, इसे मैं ये मैं अपनी प्रोग्रामिंग में देखता हूँ। M2 जो है मेरा ये ऑन ऑफ के लिए है, कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के, सॉरी एयर को रिलीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसे ऑन टेक्स्ट, ये गलत लिया मैंने, यहाँ से मोमेंट्री में से मेंशन बटन लेता हूँ मैं, इसे मैं टेक्स्ट लेता हूँ ये ऑन है इसका, सॉरी ये ऑफ है इसका और ये इसका ऑन है और मेन पे इसका इसे मैं एड्रेस दे देता हूँ M2 का, इंटर कर देता हूँ और इसके स्टेट 0 ग्रीन होगी और स्टेट 0 जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट वही कलर रहेगा, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। इसे HMI में डाउनलोड करता हूँ प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम मेरा HMI में डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही HMI में डाउनलोड होता है तो इसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ई रिमोट सॉफ्टवेयर है, इसको मैं ओके कनेक्शन न्यू करता हूँ। और इसे मैं यहाँ से ओके करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका मेरा पासवर्ड है। ये देखें अब प्रेजेंट जो टेम्परेचर है वो ये चल रहा है। अब ये देखें इसे मैं कैमरे को भी यहाँ से ऑन करता हूँ साथ में, ये मेरा कैमरा है, इसे मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये देखें। अब मैं एयर को थोड़ा सा रिलीज़ करता हूँ, ये देखें एयर जब 4 बार तक आएगी तो ये कंप्रेसर को ऑन करवा देगा, 6 बार तक रहेगा, ये 6 बार तक इसे जाके स्टॉप कराएगा। अब अगर मैं यहाँ से इसे कह देता हूँ कि तुमने 3 बार पे स्टॉप होना है और 1 बार पे चलना है, तो ये देखें अब मैं इसे यहाँ से एयर रिलीज़ करता हूँ, अब ये देखिए एयर का प्रेशर रिलीज हो रहा है, अभी भी एयर का प्रेशर 3 बार है, ये तरीका कार है। इसी तरीके से आप इसमें से एयर रिलीज करवा के एयर बढ़ा के
कम ज़्यादा करके देखे मैं, फिर अब मैं इसे कह देता हूँ कि तुमने 2 बार पे स्टॉप होना है, 1 बार पे चलना है, तो ये इसे 1 बार पे चलाएगा और इस पर स्टॉप करेगा। ये देखिए अभी प्रेशर दिया 2 बार, ये 2 बार तक प्रेशर। अब मैं इसे कह देता हूँ कि तुमने 2.9 पे स्टॉप होना है और 1.5 से ऑन होना है। तो ये देखें 1.5 पे ये ऑन होगा और ये तरीका कार है। आप इसको जो मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, ये देखें ये मेरा मिनिमम का है, ये मैक्सिमम का है। इसी तरीके से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।